हरे कृष्णा, मैं मोवनी। आज हम बनाएंगे आटे के पिनव्हील। तो बनाने के लिए 1 कप गेहूं का आटा लेंगे, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच घी डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम पानी डालेंगे और आटा गूंथ लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ में नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से आटा हमारा नरम हो जाएगा। और इसे आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। अभी हमारा आटा बनकर तैयार हो गया है। स्टफिंग के लिए लेंगे 1 कप उबले हुए आलू, 1/4 कप किसी हुई गाजर और थोड़ी सी धनिया लेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और अच्छी तरह से सभी को मिला लेंगे। स्टफिंग तैयार हो चुकी है। आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे और छोटी सी लोई बना लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, बस उसी तरह से थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे और रोटी बेल लेंगे। पतली पतली रोटी बेलेंगे, मोटी नहीं बेलना है। देखिए इस तरह से, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा मोटी। अब इसके ऊपर स्टफिंग जो हमने बनाई है ना, उसे डाल देंगे और चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे। कहीं कम भी नहीं लगाना है और ज़्यादा भी नहीं, अच्छी तरह फैला ली। अब हम इसे रोल करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे अच्छी तरह से रोल करेंगे, सभी तरफ से अच्छी तरह से दोनों किनारों में अच्छी तरह से दबा लेंगे और रोल करें। किसी नाइफ की मदद से छोटे छोटे पीस काट लेंगे। पीस ना तो ज़्यादा पतले काटें और ना ज़्यादा मोटे काटें। एक पीस लेके उंगली से दबा देंगे इस तरह से। सभी पिनव्हील इस तरह से बना लेंगे। तेल गर्म करेंगे और सभी पिनव्हील को डाल देंगे। सभी पिनव्हील को शैलो फ्राई करना है। फ्राई हमें लो मीडियम फ्लेम पर करना है। और अब इस तरह से हम पलट देंगे, एक एक करके पलट दें। पिनव्हील को ब्राउन होने तक तलना है। पिनव्हील हमारे ब्राउन हो चुके हैं, इसे तेल में से निकाल लेंगे। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी, दोनों में सर्व कर सकते हैं। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।